नमस्कार, आरबी न्यूज लाइव में आपका स्वागत है। मैं सोनू कुमार यादव, आज हम जनपद गोरखपुर के ग्राम पंचायत छितौना विकासखंड खोराबार में मौजूद हैं। स्वच्छता मिशन पर बात करने के लिए हमारे साथ दिनेश कुमार यादव, ग्राम प्रधान प्रतिनिधि। आइए उनसे स्वच्छता मिशन के बारे में और उन्होंने कितना काम करवाया है उसको भी हम आप लोगों के सामने दिखाएंगे। हर चप्पे चप्पे पे सीसीटीवी कैमरा और हर गाँव के तरफ चारों तरफ लाइट की व्यवस्था की गई है। तो आइए अब सीधे हम दिनेश कुमार यादव जी से आप लोग मिलवाते हैं। जी, आपका नाम? दिनेश कुमार यादव। प्रधान जी, भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार का मंशा है कि पूरे गांव को साफ सफाई रखना, कूड़ा कचरा डस्टबिन में डालना, तो आप लोग स्वच्छता मिशन की बैठक कब करते हैं? मीटिंग तो हर महीने लगभग की जाती है। वैसे आपको हमारा गाँव देख के दिखाई ही पड़ रहा होगा कि स्वच्छता के बारे में हम लोग कितना जागरूक हैं। सरकारें कहे ना कहे, हमारा भी कर्तव्य है। हम इसीलिए चुने जाते हैं कि अपने गांव का विकास करें, अपने गांव को सुंदर बनाए रखें। शौचालय कितना बन गया क्या? शौचालय तो हमारा 2 साल पहले ही खुले शौच से मुक्त हो चुका है हमारा ग्राम पंचायत। प्रधान जी, शौचालय बनने के बावजूद आए दिन देखा जा रहा लोग, कुछ लोग शौच करने के लिए सड़कों पे जाते हैं, इस पे आप अपने ग्राम पंचायत? नहीं, हमारी ग्राम पंचायत तो पूरी तरह से इसमें स्वस्थ है कि कोई नहीं जा रहा बाहर और सारे लोग जागरूक हो चुके हैं, क्योंकि जिले में पहली ग्राम पंचायत थी जो हमारा गांव ODF हुआ था। शुद्ध पेयजल की व्यवस्था क्या है आपके यहाँ? हमारे वहाँ पानी की टंकी लगी हुई है, हैंडपंप भी है, और आपके आशीर्वाद से अब RO लगने वाला, RO प्लांट भी लगवा रहे हैं पूरी ग्राम पंचायत में। पेंशन विधवा विकलांग वृद्धा? सारा पेंशन तो हो गया है। कितना बना हुआ लगभग? टोटल मिला के 200 के आसपास। विकलांग है कि नहीं आपके यहाँ? 3-4 है। 3-4 लोगों का लोकार्पण आता है कि नहीं? आता है। सबसे बड़ी समस्या किसानों की है। किसान जैसे रात रात भर जग के अपने पशुओं के रखवा, आवारा पशु से जो किसान बहुत परेशान है। हाँ, परेशान है। तो क्या है समस्या आपके ग्राम पंचायत में है क्या? नहीं है, कम है। जिसे शहर से आते आते हमारा गांव थोड़ा दूर पड़ जाता है, तो हमारे गांव के अगल बगल ही लोग परेशान रहते हैं। जो खदेड़ते हैं हमारे गाँव में वो भी आते हैं, लेकिन हमारे गाँव में भी लोगों को जगना पड़ रहा है। खड़ंजा इंटरलॉकिंग नाली का काम हमारे गांव में, पूरी गांव आपको लगभग 95% CC रोड गली गली हो चुका है। हमारे ग्राम पंचायत में खड़ंजा का काम तो बचा ही नहीं है। लगभग CC सब बन चुके हैं, नाली भी ढक्कनदार बन चुका है। विकास के नाम पर बहुत अच्छा, आप गांव पूरा घूमिए, आपको दिखाई पड़ेगा कि विकास होता कैसे। प्रधान जी, मैं जैसे गाँव में एंट्री किया तो देखा कि चप्पे चप्पे पे CCTV कैमरा और लाइट की व्यवस्था की गई है। लाइट तो पूरे ग्राम पंचायत में आपको दिखाई पड़ता होगा, हर पोल पे लाइट लगी हुई है, तिरंगा कलर से रंगा हुआ पोल भी है, एक्स्ट्रा लाइट लगाई गई है, CCTV कैमरा पूरी ग्राम पंचायत में हर गलियों में लगा दिया गया है। एक नंबर का जो आपने व्यवस्था किया है CCTV कैमरा का जी, हर जगह जैसे लगा हुआ है, तो जैसे TV जो लगा है एक ही जगह लगा है कि? नहीं, 3 जगह है, 3 टोले में 3 जगह लगाया गया है, 3 जगह से कवर हो रहा है। आपके यहाँ जो सरकारी विद्यालय उसका कायाकल्प हुआ? सरकारी विद्यालय हमारे वहाँ नहीं है। ऐसा क्यों? जगह नहीं होने के कारण नहीं बन पाया। तो जगह का जैसे सुनिश्चित आप लोग करेंगे तो मान लीजिए जगह जब हमको मिल रहा है, स्कूल मिले तब तो हम जगह देने, हम तो जगह देने के लिए तैयार है, लेकिन सरकारें नहीं दे रहे। प्रस्ताव कई बार दे चुके तो अधिकारी, सरकारें नहीं ध्यान दी कि स्कूल बनाया जाए। नहीं, जैसे आपने जिले प्रस्ताव दिया तो अधिकारी क्या बोले? बोले कि आपके गांव के नजदीकी स्कूल है इसलिए नहीं बन पाएगा। नहीं बन पाएगा, दायरा कम बता रहे हैं। पंचायत भवन है? पंचायत भवन है। आंगनबाड़ी केंद्र? आंगनबाड़ी केंद्र भी है। उसमें जैसे पढ़ाई होती होती? हाँ, पढ़ाई होती है उसमें, होती है उसमें जी। मनरेगा पे जैसे बहुत बड़ी समस्या है, मनरेगा का 182 रुपए का, जैसे एक लेबर को सरकार 182 रुपए दे रही है जी, तो जैसे एक लेबर अगर जो जैसे काम करने के लिए आता है तो 300 रुपए का डिमांड करता है, तो इस पे क्या कहना? ये हम लोगों का शहरी क्षेत्र का गांव है, बहुत दिक्कत उठाना पड़ता है उसके लिए। वैसे हमारे वहाँ से लगभग 4 साल पहले ही मनरेगा का काम बंद हो चुका है, क्योंकि हमारे ग्राम पंचायत में मनरेगा का काम रह ही नहीं गया है, इसलिए मनरेगा काम नहीं हो रहा। वैसे यहाँ जो मजदूरी है, मजदूरी 350 के आसपास है, मनरेगा मजदूर उस रेट पर मिलना बहुत मुश्किल है। किसी तरह प्रधान लोग अपनी व्यवस्था चला रहे हैं इसमें। तालाब है आपके? तालाब है, पोखरा है। सुंदरीकरण हुआ है? हुआ है, उसका हो गया जी।
चलिए आपको दिखाते हैं कि प्रधान जी ने जहाँ जहाँ पूरे गांव में सीसीटीवी लगवाया है और जो लाइट भी लगवाया है वो भी दिखाते हैं। प्रधान जी ने जो भी विकास काम कराया है उससे आप लोगों को रूबरू कराते हैं कि प्रधान जी ने कितना विकास काम करवाया है। अगर आप लोगों को विकास देखना है तो एक बार ग्राम पंचायत छितौना विकासखंड कोराबार जनपद गोरखपुर में आके एक बार आप लोग विकास देख सकते हैं कि ग्राम प्रधान जी ने कितना विकास करवाया है और जगह जगह पर सीसीटीवी कैमरा लगवाया कि गांव में किसी प्रकार का दंगा ना हो और पूरे गांव में लाइट का भी व्यवस्था किया है उन्होंने कि रात में किसी को कोई किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। आरवी न्यूज लाइव से कैमरामैन संतोष सिंह के साथ सोनू कुमार यादव गोरखपुर। सबसे तेज सबसे आगे खबरें देखें सबसे पहले आपको करें हर खबर से रूबरू। आगे ऐसे और खबरें देखने के लिए rvnews.live को सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल के साथ बने रहें। बदलेगा खबरों का अंदाज, बदलेगा खबरों का मिजाज, बुलंद होगी जनता की आवाज, आपका सरोकार, असल मुद्दों की पुकार, पत्रकारिता की धार, खेत खलियान, महिलाओं का सम्मान, देश के नौजवान, जनता मांगे समाधान, सड़क पर घमासान, भ्रष्टाचार से परेशान।